इज़ गोइंग टू वेलकम टू फर्स्टली वेलकम टू माई चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है क्यों आपको हैचबैक कार पे जाना चाहिए आपकी नीड्स के हिसाब से। सो गाइज हैड चलिए अपने वीडियो को पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यू कैन सी आई एम फीचरिंग द शेवरलेट स्पार्क। शेवरलेट स्पार्क को मैं आज फीचर कर रहा हूँ इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को जल्दी जल्दी 5 मिनट 10 मिनट के अंदर खत्म कर देते हैं। तो गाइज हैचबैक को लेने का मतलब होता है, हैच का मतलब आप जानते हैं कि न्यूली बॉर्न बेबी आउट केम आउट ऑफ द एग, हैचबैक मीन्स दिस। ओके सो हैचबैक को एज अ हैचबैक का नाम पर था तो हम लोग दिमाग में एक छोटी सी कार को इमेजिनेट करते हैं। और हैचबैक में आती हैचबैक का फीचर्स होता है कि छोटी गाड़ी, ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा माइलेज और छोटा इंजन, ठीक है, और ग्राउंड क्लियरेंस छोटी, कम स्पेस खींचने वाली जगह, इतनी एक तो ये देख सकते हैं। इसका मेन हम लोग का मोटो ये होता है कि हम छोटी सी छोटी जगह में गाड़ी को ले जा सकें। और जब इस जगह पर आके SUVs फंसती है तब हैचबैक को देख के हमें काफ़ी खुशी होती है कि उससे 15-20 लाख कम की गाड़ी है फिर भी हमारी यह साथ दे रही है। लेकिन हैचबैक्स गाइस वहाँ पे मात खाती है, मैं वो आपको बताता हूँ। हैचबैक्स का मात खाती है इस टायर में, ग्राउंड क्लियरेंस में, बस यही दो चीज़ें और कुछ नहीं है। बाकी इंजन को आप इजीली रेव कर सकते हैं, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हैचबैक में। और गाइस मैं आपको एक और बात बता दूं कि हैचबैक्स में स्पेस आपको कम मिलने वाला है। इसके प्रॉस एंड कॉन्स ये हैं कि स्पेस आपको कम मिलेगा, लो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, लो टायर साइज़ मिलेगा, लो प्रोफाइल टायर मिलेगा और फीचर्स कुछ कम मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप वही प्रीमियम हैच में जाएंगे तो आपको फीचर्स ज़्यादा मिल जाएंगे। बस हैचबैक को लेने का मोटो ये होता है कि जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ इतना सकड़ा ये रोड है, इतने सकड़े रोड से भी ये गाड़ी आराम से निकल जाएगी। और इन रोडों में जो भी पॉट होल्स होंगे, जैसे इतना मोटा ये पॉट होल है, इसको भी ये क्रॉस ईजिली कर सकेगा। बस यही सब होता है मोटो इस गाड़ी को लेने का, इन गाड़ियों को लेने का। ये तो अभी काफ़ी पुरानी गाड़ी हो चुकी है, मतलब मॉडल के हिसाब से अभी इंडिया में नहीं आती है। आप और दूसरे गाड़ियों पे जा सकते हैं जैसे कि अल्टो 800, रेनो क्विड, टाटा टियागो, फिर डैटसन रेडिगो। डैटसन रेडिगो अभी टॉप में चल रही है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, सॉलिड है वो और साइज़ भी इससे भी छोटी है वो। बस जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ हैचबैक की का यही मोटो होता है कि छोटी लगे गाड़ी बाहर से, इंटीरियर से इस तरह के हैचबैक का इंटीरियर से काफ़ी स्पेस हो गाड़ी में, काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो। आपको मैं दूर से दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो, 3 आदमी इसमें आराम से बैठेंगे और सॉलिड होनी चाहिए गाड़ी, पतली सी, एकदम पतली नहीं होनी चाहिए, इतने मोटा कम से कम डैश उसका प्लास्टिक क्वालिटी होना चाहिए और अच्छी बिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए, उस तरह की हैचबैक को आप लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।